हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में तो आज है संडे और जैसा कि वादा था हर संडे होगा इस चैनल पर एक धमाका तो आज इस संडे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पैन कार्ड पैन कार्ड हम सभी के घर में होता है आपके भी नाम से पैन कार्ड मोस्ट प्रोबेबली होगा तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को यहीं पॉज करके आप अपने पास अपना पैन कार्ड रख लें और डिटेल्स को जरूर से ज़रूर देखें अपने पैन पैन कार्ड से टैली करें और प्रैक्टिकल नॉलेज लें एंड बिलीव मी कि आज आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे तो बने रही वीडियो के एंड तक और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आप वीडियो में खोसे जाएँ तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो like तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो देख सकते हैं आप सभी लोग आज के वीडियो का सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाट इज पेन सेकेंड वन यूटिलिटी ऑफ पेन हमारे लिए पेन कार्ड क्यों जरूरी है हु हैज़ टू अपटेन पेन देन ट्रांजेक्शन्स इन विच पेन इज मैंडेटरी होल्डिंग ऑफ मोर देन वन पेन नॉट अलाउड एक से ज़्यादा पेन आपको रखना अलाउड नहीं है एंड लास्ट सॉरी नेक्स्ट वन हाउ टू नो पेन इफ द पेन कार्ड इज लॉस्ड एंड पेन इज़ फॉर अ टेन एंड द लास्ट वन पेनल्टी फॉर नॉट कम्प्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ पेन तो आज के इस वीडियो में हम इस वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस का आंसर और साथ साथ डिटेल्स निकालने वाले हैं तो इसीलिए मैंने आप सभी से कहा कि आपको पैन कार्ड के बारे में वो डिटेल्स जो पता होनी चाहिए बट शायद नहीं पता होंगी तो आज के इस वीडियो से पता चलने वाली है तो जरूर से जरूर एंड तक वीडियो को देखिएगा बिना किसी पॉइंट को स्किप किए हुए ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट वॉट इज पैन देखिए पेन इज़ अ टेन डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपका जो पेन होता है वो कौन इशू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो जैसा मैंने आप सभी से कहा अपने सामने अपना पेन कार्ड या घर में आपके पेरेंट्स का पेन कार्ड हो वो आप रख करके जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें आपको बहुत सटीक जानकारी मिलने वाली है तो टेन डिजिट्स का यूनिक नंबर आपके उस पेन कार्ड पर होता है जो अल्फ़ा न्यूमैरिक नंबर होते हैं ठीक है ये कैसे बनाया जाता है वो भी अभी आप आज वीडियो में सीखने वाले, है. में सीखने वाले हैं इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेन इज इश्यूड टू इन द फॉर्म ऑफ अ लेमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड एज गिवेन बिलो कॉमनली नोन एज पैन कार्ड अब वो पेन कार्ड आपका एक प्लास्टिक लेमिनेटेड कार्ड होता है कुछ इस तरह से देखिए आप सामने स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा ये पेन कार्ड है अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास शायद इस तरह का पैन कार्ड नहीं है आपके पास हो सकता अलग टाइप का होगा तो एक दूसरा और पैन कार्ड भी है क्योंकि ये जो आप पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आपका ओल्ड पैटर्न ऑफ पैन कार्ड यह है न्यू पैटर्न तो आपके पास जिस तरह का होगा आप देख लीजिए दोनों ही पैन कार्ड हैं कुछ ओल्ड पैटर्न पर और एक न्यू पैटर्न पर ठीक है तो आप सभी पैन कार्ड से अवेयर हैं बट अब उसके डिटेल्स पर हम आते हैं ये तो हो गया पैन कार्ड की मीनिंग नाउ वी शेल डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ टेन कैरेक्टर्स ऑफ पेन तो जो आपका पेन कार्ड का नंबर है जो टेन डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है आइए जानते हैं उसका स्ट्रक्चर एंड फॉर दिस पर्पज वी शेल टेक एन इलेट्रेटिव पेन एज गि बिलो तो मैंने एक रेंडम एक आ, ऐसे ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल पेन नंबर ले लिया है तो ए वाई पी एम फाइव फोर जीरो थ्री एच आप काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये है हमारे टेन डिजिट्स अल्फा डिजिट यही है अब हम जानेंगे इसी के बारे में कि ये कैसे बनाया जाता है तो देखिए ये वही है ठीक है वही पेन कार्ड और उसके फर्स्ट कुछ पॉइंट्स को हम लेते हैं आउट ऑफ द फर्स्ट फाइव ये जो एक दो तीन चार पाँच ये जो पहले पाँच कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेन नंबर में उस फाइव कैरेक्टर में से द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द अल्फाबेटिक सीरीज नंबर जो कि ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड के बीच में हो सकता है यानी देख सकते हो आप पहला दूसरा और तीसरा है ना आप देख सकते हैं कि पहले पांच में से जो पहला तीन करेक्टर है वो सिर्फ आपका अल्फाबेट के ट्रिपल एट से लेकर ट्रिपल जेड के बीच के तीन अल्फाबेट्स होंगे हमेशा ही होंगे इसके लिए आप अब किसी भी पेन कार्ड को अपने सामने रख करके क्रॉस चेक कर सकते हैं ठीक है ना ये तो हो गया आपका पहला डिटेल आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल अगेन मैंने देखिए वही सी, ए, सेम सीरीज़ ऑफ़ पेन नंबर ले लिया है और नेक्स्ट डिटेल्स की बात करते हैं द फोर्थ कैरेक्टर ऑफ पेन तो जैसा आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये रहा फोर्थ कैरेक्टर जहां पी आपको दिख रहा होगा ये क्या है तो फोर्थ कैरेक्टर ऑफ पेन रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पेन होल्डर ठीक है तो जिसके नाम का वो पेन है दैट इज कॉल्ड पेन होल्डर उसका क्या स्टेटस है अब ये स्टेटस क्या होता है भला तो ये जानते हैं स्टेटस क्या होते हैं तो देखिए स्टेटस में अगर पी लिखा है यहां जो पी दिख रहा है आपको तो पी स्टैंड फॉर इंडिविजुअल तो आप एक इंडिविजुअल पर्सन है ये इंडिकेट करता है लेकिन अगर पी की जगह कभी सी आपने देख लिया तो सी फॉर व्हाट सी फॉर कंपनी यानी किसी कंपनी का पैन कार्ड होगा तो वहां पी नहीं होगा वहां सी लिखा होगा ठीक है देन एच एच रेफर्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट इज एच यू एफ आपने पढ़ा है अपने क्लास इलेवेंथ के बिजनेस स्टडीज में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में तो अगर यहां जहां पी देख रहे हो आप यहां पर पी नहीं मिला अगर आपको एच मिला तो दैट रेफर्स टू कि ये पैन कार्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली का है नेक्स्ट वन इज ए ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट इज ए ओ पी तो यहां पी के जगह आपको ए दिखेगा तो वो स्टैंड फॉर ए ओ पी है ठीक है नेक्स्ट वन इज बी बी स्टैंड फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो अगेन पी के जगह पर आपको या तो बी देखने को मिल सकता है फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट जी आपको यहां जो पी दिख रहा है इसके जगह अगर आपको जी दिखता है तो वो जी किस लिए गवर्नमेंट एजेंसी के लिए है नेक्स्ट वन जे जे रेफर्स टू आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन ठीक है यानी पी के जगह अगर जे दिखा तो वो इनके लिए है क्लियर जनरली हमें इंडिविजुअल के अलावा बाकी पैन कार्ड देखने को नहीं मिलते हैं इसलिए हम पी के अलावा ज्यादातर देख देख नहीं पाते बट रियल पैन कार्ड अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी जुडिकल पर्सन या लोकल अथॉरिटी का देखेंगे तो आपको पी की जगह कुछ और ही दिखेगा ठीक है तो नेक्स्ट आता है पी पी की जगह सॉरी एल एल का मतलब क्या है लोकल अथॉरिटी तो लोकल अथॉरिटी के लिए अगर पैन कार्ड बनेगा तो पी की जगह एल आएगा देन आता है एफ एफ स्टैंड फॉर फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो यानी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पी की जगह एफ आ जाएगा ठीक है देन आता है टी टी स्टैंड फॉर ट्रस्ट तो अगर किसी ट्रस्ट का पैन कार्ड है तो जो यहाँ पी लिखा था वहां क्या आ जाएगा टी आ जाएगा ठीक है इन प्लेस ऑफ पी इट विल बी टी तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट फोर कैरेक्टर को लेकर के नेक्स्ट आते हैं अगेन उसी सेम नंबर में देखिए अब तक हमने क्या बात कर लिया था एक दो तीन और एक यहां तक यहां तक के डिटेल्स कैसे बनते हैं वो हमने बात कर ली है अब आते हैं नेक्स्ट जो आप एम देख रहे हैं ये एम क्या है ये जो एम आप देख रहे हैं ना पी के बाद वो क्या है एक्चुअली तो देखिए उसके बारे में फिफ्थ कैरेक्टर फिफ्थ कैरेक्टर मतलब क्या है एम ऑफ पेन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पेन होल्डर्स लास्ट नेम और सर नेम जैसे कि मेरा नाम है प्रदीप कुमार वर्मा तो मेरे नाम का लास्ट नेम यानी सर नेम क्या है वर्मा और वर्मा का पहला लेटर क्या है वी तो मेरे पैन कार्ड में यहाँ वी लिखा हुआ मिलेगा और आप इसको अपने असली पैन कार्ड से रखकर सामने कंपेयर कर सकते हैं देन है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल अगर आप नॉन इंडिविजुअल यानी रेस्ट कैटेगरी में आते हैं जे हैं एल हैं एच है है ना उन सब में आते हैं तो पेन कार्ड होल्डर फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पेन होल्डर्स नेम तो उस केस में जो पेन होल्डर का नाम होगा उसका पहला लेटर जो होगा वही वहां पर स्टैंड करेगा बट इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल तो आपने अब तक देखा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचों पांच कैरेक्टर्स कैसे डिजाइन होते हैं उसके बारे में हमने जान लिया है आते हैं उसके बाद फिर वही सेम सीरीज देखिए ध्यान से अब आते हैं हम नेक्स्ट फोर डिजिट्स पर ठीक है हर पैन कार्ड में आपको ऐसे मिलेगा फर्स्ट थ्री लेटर्स देन अगेन टू लेटर्स और जिसके बारे में जानकारी ले ली क्यों है एंड देन फोर डिजिट्स तो नेक्स्ट फोर कैरेक्टर्स आर सिक्वेंशियल नंबर रनिंग फ्रॉम जीरो 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 वन टू डबल नाइन डबल नाइन तो यहां पर आपको रैंडम कोई जैसे कि आपका मान लीजिए एक नंबर मिला रहा फोर सेवन एट नाइन ठीक है तो ये जीरो 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 वन से लेकर डबल नाइन डबल नाइन के बीच में कोई भी रैंडम नंबर होगा जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करेगी क्लियर नेक्स्ट आते हैं आपके लास्ट में दस में से देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ हो चुके हैं बच गए लास्ट का एच अब ये क्या है लास्ट कैरेक्टर दैट इज द टेंथ कैरेक्टर जो इस समय आपके एग्जांपल में क्या है एच इज एन अल्फाबेटिक चेक डिजिट यानी एक रैंडम अगेन डिजिट है जो कि प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इस तरह से आपने देखा टेन डिजिट जो है आपके या टेन जो डिजिट्स का आपका करेक्टर का होता है आपका पेन नंबर वो कैसे बनाया जाता है ठीक है तो अब जानते हैं यूटिलिटी ऑफ पेन सेकेंड पॉइंट आज का यूटिलिटी ऑफ पेन देखिए पेन एनेबल्स द डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट मतलब कौन सा डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई लिंक ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द पेन होल्डर विद द डिपार्टमेंट दीज ट्रांजेक्शन इंक्लूड टैक्स पेमेंट टी डी एस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न्स ऑफ इनकम स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कॉरस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा इन सभी को ट्रेस करने के लिए उनके पास डिटेल रह जाते हैं एंड सो ऑन इट फैसिलिटेट ईजी रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पेन होल्डर एंड मैचिंग ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट्स बोरोविंग्स एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ पेन होल्डर आप कह सकते हैं ब्लैक मनी पे कंट्रोल लाने के लिए एक बहुत बड़ा एक वेपन है गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास आप जानते होंगे आपको पता चला होगा कि आज के बीच जो है इस समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की बात चल रही है और जब वो लिंक हो जाएंगे तो आपके सारे डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अल्टीमेटली पहुंचते रहेंगे है ना नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हु हैज टू किसे पैन कार्ड लेना पड़ता है आइए जानते हैं उसके बारे में एवरी पर्सन इफ हिज टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही ज्यूरिंग द इयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कहती है कि दो लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है ठीक है तो अगर आप दो लाख के अंदर का इनकम अर्न करते हैं साल भर में तो आपके लिए पैन कार्ड कंपल्सरी नहीं है बट आप जहां उससे एक्सीड इनकम करते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है अ चैरिटेबल ट्रस्ट हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 ए इनकम टैक्स के इस सेक्शन के अंडर में अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको कि फर्निश करना पड़ता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो इसका मतलब है कि उन्हें भी पेन कार्ड अपना बनवाना कंपलसरी है देन एवरी नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन एंड एसोसिएटेड विथ दैम शेल अप्लाई फॉर पेन इफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड

इन एनी ईयर अगर आपके एक साल में पांच लाख से ज्यादा का टर्न है या अगर आप प्रोफेशन में हैं और आपका जो प्रोफेशनल इनकम है वो पांच लाख से ज्यादा है तो आपके लिए भी पेन कार्ड कंपल्सरी है देन एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इन टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन विच कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी यानी आप ऐसे किसी ट्रांजेक्शन को डील करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें पैन कार्ड को का होना जरूरी होता है ऐसा डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा जैसे आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उसमें लिखा होगा कि एंटर योर पेन नंबर तो उस केस में तो आपको देना ही पड़ेगा तो देन यू विल हैव हैव यू शुड योर कार्ड तो तो ये तो हो गया किस लिए किसको किसके लिए जरूरी था देन ट्रांजेक्शन इन विच पेन इज मैंडेटरी अब ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जब आपको कंपल्सरली पेन कार्ड रखना पड़ता है तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं ध्यान से सारे पॉइंट्स देखिएगा फर्स्ट है सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल अदर देन टू व्हील्ड व्हीकल्स ठीक है तो सेल्स परचेज करते हैं अगर मोटर व्हीकल्स का या फिर व्हीकल अदर देन टू व्हील्ड व्हीकल्स तो आपको जरूरत है पैन कार्ड की ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट रेफर्ड एट पॉइंट नंबर ट्वेल्व अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर ट्वेल्व में आएगा एंड अ बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक ठीक है तो आप अगर अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं तो उस समय भी आपको एक चाहिए होगा पैन कार्ड का नंबर देखते हैं आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आधार नंबर और पेन नंबर दोनों लिया जाता है देन थर्ड वन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं क्रेडिट uh, कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए तो भी आपको पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए फोर्थ पॉइंट ओपनिंग ऑफ अ डीमेट अकाउंट डी मैट अकाउंट होता है शेयर मार्केट में डील करने के लिए तो अगर आप इसको ओपन करवाना चाहते हैं विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज और एनी अदर पर्सन ठीक है तो उस समय भी आपके पास पेन होना चाहिए देन आता है पेमेंट इन कैश ऑफ ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड टू अटल और रेस्टोरेंट अगेंस्ट बिल एट एनी वन टाइम एक बार में अगर आपको किसी होटल का या रेस्टोरेंट का फिफ्टी थाउजेंड से एक्सीड कैश पेमेंट करना होगा तो भी आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए यहां पर देख सकते हो आप अमाउंट लिमिट पचास हजार है बट इन कैश पेमेंट इन कैश नॉट बाई चेक देन पेमेंट इन कैश और एन अमाउंट थाउजेंड इन कनेक्शन विथ ट्रेवल टू एनी फॉरन कंट्री और पेमेंट ऑफ फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरन करेंसी एट एनी वन टाइम एक बार में फॉरन करेंसी को परचेज करना अगर पचास हजार से एक्सीड करता है तो भी आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा देन आते हैं सेवन पॉइंट पेन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड टू अ म्यूचुअल फंड और फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट यानी अगेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में आपको पचास हजार से ज्यादा का अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आपको पेन नंबर देना पड़ेगा देन आते हैं पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज टू अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन फॉर अक्वायर डिवेंचर्स और बॉन्ड्स इश्यूड बाय इट किसी कंपनी का इशू किया हुआ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स अगर आप परचेज करते हैं यानी अगेन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में पचास हजार से ज्यादा बट स्पेसिफाइड है डिवेंचर्स और बॉन्ड्स तो उस केस में भी आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट पेमेंट ऑफ An amount exceeding rupees fifty thousand to a reserve to the Reserve Bank of India for acquiring bonds issued by it. RBI के इशू किए गए बॉन्ड्स को अगर आप परचेज करते हैं जो पचास हजार से एक्सीड करता है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा Next is deposit of cash exceeding rupees fifty thousand during एनी वन डे ध्यान देने वाली बात पचास हजार से ज्यादा अगर आप जमा करते हैं अकाउंट में लेकिन सिंगल डे में विद a बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक तो उस केस में भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा देन पेमेंट इन कैश फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ड्यूरिंग एनी वन डे फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर बैंकर्स चेक फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक ये जितने भी आप चीज देख रहे हैं बैंक ड्राफ्ट है पे ऑर्डर है बैंकर्स चेक है ये सब बैंक की फैसिलिटीज हैं तो अगर उसके लिए आप फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा अमाउंट का करते हैं ये फैसिलिटी लेते हैं तो भी आपको पैन कार्ड अपना देना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टाइम डिपॉजिट इसी देखिए ट्वेल्व पॉइंट की बात वहां पे हुई थी टाइम डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी एग्रीगेटिंग टू मोर देन रुपीज फाइव लैख ड्यूरिंग बैंकिंग कंपनी और पोस्ट ऑफिस मतलब ये जो लिमिट की बात की जा रही है आपको देख रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड और फाइव लैख तो वो किसी एक के लिए नहीं है इन सभी के लिए है कि या तो वो बैंकिंग कंपनी है और अकिव बैंक या तो एक पोस्ट ऑफिस

Then आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और परचेज फॉर सिक्योरिटीज जिसको हम जानते हैं स्टॉक uh, मार्केट होता है अदर देन शेयर शेयर्स के अलावा जो होते हैं फॉर अमाउंट एक्सेडिंग रुपीज वन लैक पर ट्रांजेक्शन तो भी आपको पेन कार्ड लगाना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट है सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज वन लैख पर ट्रांजेक्शन तो देख सकते हैं मैक्सिम स्टॉक एक्सचेंज के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डील करते समय पैन कार्ड लगाना पड़ता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ट्रांजेक्शन्स का डिटेल्स पहुंच सके सो so दैट कि आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं देन आता है सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज टेन लैक फॉर वैल्यूड और वैल्यूड बाय स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सेक्शन फिफ्टी सी ऑफ एन एक्ट ऑफ द एक्ट एट दुपीज टेन लैख ठीक है जैसे आप बिल्डिंग्स परचेस कर रहे हैं वो दस लाख से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में भी आपको देना पड़ जाएगा पैन कार्ड अपना देन लास्ट पॉइंट सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर अदर देन स्पेसिफाइड अब फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज टू लैख पर ट्रांजेक्शन ठीक है तो ये सारे वो ट्रांजेक्शन थे जिसको करने के लिए आपको पैन कार्ड का होना बड़ा कंपल्सरी है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं होल्डिंग ऑफ मोर देन वन पेन नॉट अलाउड एक से ज्यादा पेन को रखना अलाउड नहीं है इस बारे में देखिए क्या है इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी मोर देन वन पैन कार्ड अगर आपके पास एक ज्यादा पैन कार्ड है तो आपको दस हजार का फाइनेंशियल पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन टू हंड्रेड सेक्ट नाइन हंड्रेड सिक्स ठीक है इफ अ पर्सन हैज बीन अलॉटेड मोर देन वन पेन देन ही शुड इमीडिएटली सरेंडर द एडिशनल पेन कार्ड और कार्ड अगर एक से ज्यादा आपको पैन कार्ड बाय मिस्टेक इनकम टैक्स अथॉरिटी से इशू हो ही गया है तो आपको जो एक्स्ट्रा पेन कार्ड है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा देन हाउ टू नो पेन इफ द पैन कार्ड इज लॉस्ड और पेन इज फॉर गटेन ये कई बार होता है जिनके पास पैन कार्ड होता है उनके मन में क्वारी होती है कि अगर कभी पैन कार्ड मेरा खो गया या फिर मुझसे कहीं छूट गया कहीं नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें तो आइए उसका भी डिटेल इसमें देख लेते हैं इन सच अ केस वन कैन नो हिज पेन बाई यूजिंग द फैसिलिटी नो योर पेन आप इसको यूज़ करके प्रोवाइडेड by द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर विजिट करके नो योर पैन पे जा करके अपने उसका डिजिटल वे में जानकारी ले सकते हैं दिस फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड ऑफ फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स और वो वेबसाइट भी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट www.incometaxindia.government.gov.in है ना इस पर क्लिक करके आप नो योर पैन के ऑप्शन में जा करके आप डिटेल्स को भर के अपना पैन कार्ड एक्सेस कर सकते हैं

आफ्टर नोइंग द पेन अगर आपने पता लगा लिया डिजिटली यू कैन अप्लाई फॉर डुप्लीकेट पेन कार्ड बाय सबमिटिंग द रिक्वेस्ट फॉर न्यू पेन कार्ड उसी के अंदर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर न्यू पेन कार्ड एंड चेंज और करेक्शन इन पेन कार्ड डेटा ठीक है तो अगर आपने उसको एक्सेस कर लिया देन उसमें आपको मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर न्यू पेन कार्ड या फिर चेंजेस या फिर करेक्शन इन पेन डाटा तो आप इन सबको उसमें कर सकते हैं सिमिलर टू द आधार कार्ड जैसे किया जाता है नेक्स्ट आते हैं पेनाल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ पेन सेक्शन 272 बी प्रोवाइड्स फॉर पेनाल्टी केस ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेन दैट इज फेलियर टू अपटेन कोट और ऑथेंटिकेट पेन द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी शेल बी रुपीज टेन थाउजेंड फॉर ईच डिफॉल्ट ठीक है तो ये थे आज के इस वीडियो में वो डिटेल्स जो आप सभी को पता होने चाहिए बट आई बेट कि इसमें से मैक्सिमम डिटेल आपको नहीं पता होंगे खासकर पैन कार्ड का जो डिजिट होता है जो पेन नंबर होता है टेन डिजिट्स का करेक्टर्स का वो कैसे बना होता है तो होप्स हो कि आज का ये संडे ब्लास्ट आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो बेल आइकन जरूर प्रेस सॉरी तो फिर लाइक बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आपको अगले संडे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय